मनपा द्वारा 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर सुबह 6 बजे साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल चालकों के सहयोग से मनपा द्वारा ये साइकिल रैली आयोजित की गई है, जहां साइकिल फॉर नागपुर के तहत भारी संख्या में नागरिकों ने शामिल होकर साइकिल रैली निकाली, जिसे ढोल नगाड़ों के संगीत के बीच मनपा आयुक्त तथा प्रशासक राधाकृष्णन बी, जिलाधिकारी विपिन इटनकर द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 16 किलोमीटर के इस रैली का शुभारंभ 3 जून को सुबह 6 बजे नागपुर महानगर पालिका मुख्यालय सिविल लाइन से शुरू हुआ। इस बीच उत्साह के साथ भारी संख्या में बच्चों, महिलाओं, युवकों, वृद्ध सहित नागरिकों ने इस साइकिल रैली में हिस्सा लेकर उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर नगर आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी ने बताया कि अच्छी सेहत के लिए साइकिलिंग महत्वपूर्ण है। इसी के तहत साइकिलिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साइकिल फॉर नागपुर पहल के तहत नागरिकों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। आज वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, म्हणजे जागतिक स्तरावर सायकलिंगला वळख निर्माण देणारे एक दिवस आहे। आजच्या दिवशी आपल्या शहराचं सुद्धा सायकलिंगचं ओळख असावी आणि लोकांमध्ये सायकलिंगचं कल्चर वाढवावी, याचा उद्देश घेऊन सायकल फॉर नागपूर अशी एक मोठं आव्हान घेऊन आपण सगळ्यांना गावात गेले। अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळाला लोकांकडून। अक्षरशः आपल्याला 3,000 लोकांचं नंतर ट्रॅफिकच्या लक्षात ठेवून रजिस्ट्रेशन होऊन थांबावं लागलं। एवढं चांगलं उत्सुक प्रतिसाद, मेन वुमेन चिल्ड्रन सगळं आपल्या समोर आलेले। आपलं उद्देश अशी आहे, आजचं एकच दिवस नसून जे दररोज त्यांच्या पद्धतीने सायकलिंग त्यांच्या लाईफमध्ये भाग राहायला पाहिजे, त्याच्यातून त्यांच्या स्वतःच्या हेल्थ प्लस आपल्या शहराचं पर्यावरण राखण्यामध्ये खूप मदत होईल। आपल्याला माहिती असायला पाहिजे शहराच्या जे एअर पोल्युशनचा 20% कारणीभूत आपला जे डिझेलच्या गाड्या आणि याच्यामुळे, त्याच्या लक्षात ठेवूनच आपण आता बसेससुद्धा आजकाल आपण इलेक्ट्रिक बसेस घेतो, इलेक्ट्रिक व्हेकल बरेच मोठ्या प्रमाणात लोक घेतात। तसं त्याच्यासोबतच स्वतःचा आपला सायकलिंगचा सुद्धा त्यांच्या प्रत्येकाने त्यांच्या लाईफस्टाईलचा भाग, याला काही कुठल्याही प्रकारचे एक्सरसाईज असाना बघता, याला आपला रेग्युलर लाईफस्टाईल असा लोकांनी घेतला पाहिजे। तेच मोठे संदेश घेऊन आपण आज करतो। आज नागपूर शहराचा सायकलिंगच्या क्षेत्रामध्ये चांगला कामगिरी बजावलेले काही नागरिकांना सुद्धा आज आपण सत्कार करणार आहोत आणि या व्यतिरिक्त येणारी काळामध्ये सायकलिंगला प्रवृत्त करण्यासाठी बरेच काही योजना आपण महापालिकेच्या वतीने करणार आहोत। हे सगळं आजच्या सुरुवात एक चांगला होईल असं अपेक्षित आहे। सर्वांना मी आवाहन करतो, सायकलिंग रोज करा, स्वतःसाठी एक तास उपलब्ध करून घ्या आणि आपल्याला आणि शहराला चांगलं राखण्यासाठी मदत करा। धन्यवाद। मनपा प्रशासन द्वारा आयोजित इस साइकिल रैली की प्रशंसा करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर ने इस तरह के आयोजन और नागरिकों द्वारा उत्साह के साथ इसमें भाग लिए जाने की सराहना की। नागपुर महानगर पालिका द्वारा आयोजित आज का जागतिक साइकिल दिन निमित्त आज नागपुर महानगर पालिका एरिया मध्ये जवळपास 3,000 साइकलिस्ट एकाच वेळेस आज जवळपास 15 किलोमीटर आपण साइकलिंग करणार आहे। मला असं वाटतं की या माध्यमातून सायकलच्या प्रति इंटरेस्टेड असणारे लोक आणि एक्झरसाईज सायकलिंगच्या माध्यमातून एक्झरसाईज आपल्या जीवनामध्ये फिटनेसच्या अनुषंगाने काय महत्त्व असतो आणि आपल्या जीवनामध्ये दैनंदिन जीवनामध्ये एक्झरसाईजचा काय महत्त्व असतो, त्याच्यासाठी आजची सायकल रॅली नागर महापालिकेने अरेंज केलेली आहे। आणि याचसोबत आपल्याला माहीत आहे की आपल्याकडे पेंच रिझर्व आहे, तिथे पण सायकलिंग ट्रेल म्हणजे जे टुरिस्ट तिकडे येणार त्यांना सायकलिंगचा आनंद त्या निसर्गाच्या एरियामध्ये त्या गावांमधून करण्यासाठी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशननी आपण सायकलिंग ट्रेल पण आपण आज सुरू करणार आहोत, त्यासुद्धा आज उद्घाटन होणार आहे। किंवा सगळ्या नागरिकांना एकच विनंती आहे आजच्या दिवसाच्या माध्यमातून की आपल्या 24 घंट्यामध्ये एक तरी तास आपण एक्सरसाइज दिला पाहिजे आणि स्वतःला अपन फिट डेवलप आज। थैंक यू। कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों में जीत हासिल करने वाले नागरिकों को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में महिला अधिकारी के हाथों पुरस्कार दिए गए। इसी के साथ ही इस अवसर पर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर जयेश ताइड़े द्वारा बताया गया कि नागपुर शहर के टाइगर रिजर्व ने महाराष्ट्र में अव्वल नंबर हासिल किया है, जबकि पूरे भारत में 8वें नंबर पर अपना स्थान ग्रहण किया है, जिसके तहत टाइगर रिजर्व में कुछ नए तरह के कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत आज इस जागतिक साइकिल दिवस के उपलक्ष्य टाइगर रिजर्व में साइकिल सफारी की शुरुआत की जा रही है।
आज वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, सबको, सब साइकिलिस्ट ऑफ नागपुर को मैं पहला बहुत बहुत बधाई देता हूँ वर्ल्ड साइकिल डे की ओर से। वर्ल्ड साइकिल डे हम अपना नागपुर के तरह से, जैसे हम नागपुर में हर फेस्टिवल जैसे उत्साह में साजरा करते, वैसे इस साल से हम करना चाहिए। इसके शुरुआत आज आप कर रहे हैं वर्ल्ड बाइक साइकिल डे। अपने सामने अपने साथ अमित समर्थ है, सब आप अमित समर्थ के बारे जानते होंगे। जो लोग साइकिलिंग करते हैं अपने शहर में उनको जानते होंगे, जो साइकिलिंग नहीं करते पहला बार है उनके लिए बताना चाहता हूँ, अपने शहर का डॉक्टर अमित समर अभी तक कितना, जो कुछ मैं नंबर्स बताऊंगा तो आपको महसूस नहीं कर पाएंगे, एक आदमी इतना कम समय में साइकिलिंग से इतना कर सकता है। टू व्हीलर नहीं है, फोर व्हीलर नहीं है, उन्होंने कितना दिन में किया कश्मीर टू कन्याकुमारी, छः दिन में, साढ़े छः दिन में उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी अभी अभी करके आया। 3,650 किलोमीटर। हम बोलते हैं नागपुर में गर्मी ज़्यादा है, बाहर कहाँ साइकिल करने का वगैरह, आपके सामने ही एक एग्जांपल है। और उसके पहले उन्होंने ट्रांस साइबेरियन करने वाला एक ही इंडियन है, इंडिया में एक ही आदमी है ट्रांस साइबेरियन में। अभी भी कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी ने पूछा, इनका क्वेश्चन ही पूछा। ऐसे बहुत सारे लोग आज ऐसे लोगों को भी आपके सामने लेके आने वाले, कुछ लोग कॉमरेड किए, कुछ लोग वर्ल्ड मैराथन किए। एनबीसी न्यूज़ के लिए राजकुमार मोड़ के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।